राइस नूडल्स कभी बॉयल नहीं होते, इनको आपको सिर्फ गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करके रखना है, और जब आपको लगे थोड़ा सॉफ्ट हो गए, आई थिंक 5 मिनट्स आर गुड इनफ फॉर इतने नूडल्स, एंड देन यू हैव टू जस्ट वॉश देम विद कोल्ड वाटर. सो दीज आर फ्लैट राइस नूडल्स. फिर हमें चाहिए इमली का पल्प. इमली का पल्प हमने इमली को भिगो करके छान लिया. देन वी हैव ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर यूज करेंगे. देन वी हैव सम सोया सॉस, सम चिली गार्लिक पेस्ट, एंड वी हैव सम पीनट्स, लेमन जूस एंड सॉल्ट. ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए इसके मसालास. देन वेजिटेबल्स में वी हैव ऑल थ्री कलर्स ऑफ पेपर्स, कैप्सिकम. देन वी हैव अनियंस, स्प्रिंग अनियंस यूज कर सकते हैं, बीन स्प्राउट्स अगर सीजन में मिले तो वो यूज कर सकते हैं, एंड लॉट्स ऑफ धनिया. धनिया वुड गो. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग पराठा नूडल्स. सो वी आर गोना यूज ग्राउंडनट ऑयल. जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं. सो इमली का पानी, उसके अंदर ब्राउन शुगर, सोया सॉस एंड सम चिली गार्लिक पेस्ट. तो ये कौन सा चिली गार्लिक पेस्ट है, होममेड या मार्केट का? होममेड. We can soak red chilies, अब तो सीजन है, साबुत लाल मिर्ची मिलेंगी, तो उसके अंदर आप थोड़ा लहसुन भी पीस के रख सकते हैं, दालचीनी और चिली गार्लिक पेस्ट. सो द सॉस इज रेडी. ऑयल गर्म हो गया रिचा, आई थिंक. यप, इट्स डन. अनियंस, ऑयल गर्म करके हम उसमें डालेंगे अनियंस.